बाबा जी के बारे में प्रत्येक भक्त का अनुभव अपने अनोखे ढंग के हैं। तुलाराम शाह ने कहा, बाबा जी इस युग के महानतम संत हैं। राम नारायण सिन्हा ने कहा, वे हनुमान हैं। अकबर अली खान ने कहा, वे भगवान हैं। मैं इन लोगों को अविश्वसनीय नहीं मानता। उनके अनुभव मेरे लिए उतने ही सत्य हैं जितना मेरे बाबा का गंगा जी के तट पर मेरे कान में धीरे से यह कहना कि राम नाम कहने से सब पूरा हो जाता है। यहाँ उल्लेख होने वाले सभी अनुभव बाबा जी के जीवन काल में ही उनकी उपस्थिति या उनके चले जाने पर कहे गए थे। ये अनुभव बार बार कहे गए और फिर कहे गए, किंतु बाबा जी ने भी कभी आपत्ति नहीं की। श्री राम नारायण सिन्हा सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में रहते थे और बाबा जी के पास वे जब भी यहाँ रहते आया करते थे। उनके लिए बाबा जी के संबंध में कुछ बिना अश्रुधारा बहाए बताना असंभव था। जब वे बाबा जी से संबंधित कथाएं कह रहे होते थे, उन्हें कई बार रुकना पड़ता था और बाबा जी के सामने बैठे नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन पुलिस विभाग में निचली सीढ़ी के सब इंस्पेक्टर से प्रारंभ किया था और अपने ईमानदारी और परिश्रम के कारण विभाग में उच्च पद तक प्राप्त कर लिया था। श्री सिंह का कहना था कि उनकी प्रोन्नति केवल उनके कार्यों के कारण नहीं हुई थी, अपितु बाबा की ही कृपा से हुई थी, जो उन्हें अयाचित ही प्राप्त होती थी और जो संपूर्ण जीवन प्राप्त होती रही। उनकी नियुक्ति मथुरा में सब इंस्पेक्टर के रूप में हुई थी। वे मथुरा में अपनी पत्नी और सौतेले भाई के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन जब वे अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, उनका दरवाजा धक्का देकर किसी ने खोला। एक विशाल काय कंबल ओढ़े हुआ व्यक्ति दो अन्य लोगों के साथ घर में आया। राम नारायण ने बताया, वे मुझसे तनिक भी परिचित नहीं थे। उस व्यक्ति ने मेरी ओर उंगली से इशारा कर बताया कि आप ही राम नारायण सिन्हा हैं। क्या आपकी पत्नी और अपने भाई के झगड़े को लेकर परेशान हैं? मैं उनकी ओर अचंभित देख रहा था, तभी उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि यह श्री नीम करौली बाबा हैं। मैं और मेरी पत्नी जो उनके सामने खड़ी थी, ये जानते ही कि वे बाबा हैं, उनके चरण स्पर्श किए। जब मेरे किशोर भाई ने उनके चरण स्पर्श करना चाहा, उन्होंने डांट कर कहा, तुम अपनी भाभी के साथ झगड़ते रहते हो और उसे रुलाते हो। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है, उसके चरण छुओ और फिर कभी उनसे झगड़ा ना करना। राम नारायण ने बताया, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी। इसने जीवन से बहुत बड़ी बाधा दूर कर दी, जो सदा हमारी पारिवारिक शांति को नष्ट किए रहती थी। उसके पश्चात उन्हें बाबा की कृपा अनवरत प्राप्त होती ही रही। उन्होंने बताया कि बाबा जी ये कहते हुए कि अभी तुम्हें ड्यूटी पर भी जाना है, घर से बाहर चले गए। बाहर आकर देखा कि बहुत से लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। संयोगवश मुझे उसी रास्ते अपने कार्यालय जाना था जिस रास्ते से बाबा जी जा रहे थे। रास्ते में वे व्यक्तियों के नाम लेकर बुला रहे थे और जब तक वे द्वारिकाधीश के मंदिर तक पहुंचे, अच्छी भीड़ उनके चारों ओर एकत्र हो गई थी। द्वारिकाधीश जी के मंदिर के पुजारी उनके सामने आए और बाबा जी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? द्वारिकाधीश जी की मूर्ति की ओर इंगित करते हुए बाबा जी ने कहा, तुम्हें संतान की प्राप्ति कैसे होगी जब तक इस बालक के पास किसी बालक को आने नहीं देते हो? ये भी बालक ही है और बालकों के साथ खेलना चाहते हैं, और तुम बालकों को इनके समीप आने से रोकते हो। तुम्हें कैसे अपनी संतान प्राप्त होगी?
जब तक कि भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति उनके कहने का अर्थ समझता, मंदिर के पुजारी आंखों में आंसू भर रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े और बाबा जी से एक पुत्र की याचना करने लगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हें बालकों के आने के लिए द्वार खुला रखना चाहिए। सारी विपत्ति टल गई और जीवन में नया प्रकाश आया। बाबा जी के चले जाने पर पुजारी ने कहा, मुझे मालूम था कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद देने ही आए थे। 2 वर्षों बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। राम नारायण ने कहा कि सेवा काल में उन्हें राज्य के अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ा। इस समय अवधि में बाबा जी के दर्शन यथा इच्छा प्राप्त करना कठिन था। हर एक स्थान पर जहां जहां उनकी नियुक्ति हुई, हर जगह कुछ लोग ऐसे थे जो उनको जानते थे। बाबा जी उनके पास आया करते थे, किंतु बाबा को ढूंढकर उनके पास पहुंचना कठिन था। बाबा जी निरंतर भ्रमण पर रहते थे। उनके आगमन और क्रियाकलापों के बारे में दूसरा कोई नहीं जान सकता था, जब तक कि वह उनके साथ ही ना रहा हो। राम नारायण ने बताया कि उनके साथ एक कठिनाई और थी। वे थी उनका पुलिस होना और बाबा जी के भक्त अन्य सामान्य जनों की भांति पुलिस से मेल जोल बढ़ाना अच्छा नहीं समझते थे। इससे राम नारायण को अन्य भक्तों से मिलकर बाबा जी के बारे में जानकारी लेना कठिन था। राम नारायण का यह निश्चित मत था, बाबा जी के मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। उनको पुलिस के लोग भी अन्य भक्तों की ही भांति प्रिय थे। राम नारायण ने अन्य पुलिस उच्चाधिकारियों के नाम बताए जो उनके प्रिय भक्त थे, जैसे जमुना त्रिपाठी, राय बहादुर, टीकाराम, चौधरी ओंकार सिंह और श्री दीप नारायण राम। ये लोग भी बाबा जी के कृपा पात्र थे। राम नारायण ने कहा कि उनका अपना अनुभव है कि उनका दर्शन कब प्राप्त होगा, ये निर्णय करना बाबा जी पर ही छोड़ दिया जाए, बस उनका स्मरण सच्चे मन से करते रहना चाहिए। वे एक बार बिजनौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पद वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे। उन्हें पता चला कि उनका सुपरिंटेंडेंट पद पर स्थायीकरण का दावा रद्द कर दिया गया है और उन्हें पहले वाले पद पर वापस भेजा जा रहा है। यह उनके लिए अत्यंत निराशाजनक और उन्हें हतोत्साहित करने वाला समाचार था। राम नारायण ने कई वर्षों तक सुपरिंटेंडेंट का पदभार स्थानापन्न रूप से संभाला था और उनको यश भी प्राप्त हुआ था, किंतु उनका दावा किसी तकनीकी आधार पर रद्द किया जा रहा था। तकनीकी आधार यही था कि उनकी प्रोन्नति चयन के आधार पर नहीं थी और नीचे के ओहदे से सीधे ऊपर पहुंचे हैं। राम नारायण ने बताया, ये हमारे लिए अत्यंत अपमानजनक था। मैं इस अपमान और अनादर का सामना कैसे करूंगा? मैंने पद त्याग करने का निश्चय कर लिया था। पूरे घर में ये सोचकर बड़े दुख जैसा वातावरण था। मैं अपने कार्यालय में दिन भर दरवाजा बंद कर पड़ा रहा और उस रात घर में भोजन भी नहीं बना, क्योंकि सभी दुखी थे। रात्रि के करीब 9 बजे थे कि एक पुलिस का सिपाही आया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर आया तो उसने कोई सड़क पर आगे बैठा हुआ है और मुझे बुला रहा है। ये सुनते ही मैं उछल पड़ा। मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि ये बाबा जी ही होंगे जो इस रात्रि के समय जब मैं आंसू बहा रहा हूँ वही आए होंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि बाबा जी बीच सड़क पर बैठे हैं। सड़क पर कोई यातायात नहीं था, क्योंकि ये सड़क अधिकारियों के निवास के अंदर थी। मुझे देखकर बोले, तुम अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हो? तुम कैसे आदमी हो? तुमने घर में खाना भी बनने नहीं दिया है और घर में सभी को दुखी कर दिया। चिंता न करो, तुम इसी पद पर रहोगे और तुम्हें स्थायी भी कर दिया जाएगा। मैंने कहा, अब कोई अवसर नहीं है, अंतिम निर्णय हो चुका है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? लाहिड़ी आयोग इस तरह के मामलों की जांच करेगी और तुम स्थायी नियुक्ति प्राप्त करोगे। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मामला भी जांच करेगा और तुम स्थायी नियुक्ति प्राप्त करोगे।
उन्होंने कहा, मेरा भोजन ले आओ, मुझे भूख लगी है। मैं उनको अपने साथ घर लाया, घर में बत्ती जली, भोजन बनना प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने जल्दबाजी दिखाई, मेरा भोजन लाओ, मेरा खाना लाओ, मुझे जाना है, ये कहना शुरू कर दिया। उन्हें तुरंत भोजन दिया गया, उन्होंने तनिक सा खाया। वास्तव में वे भूखे नहीं थे, उनका ये उपाय उन सभी साथ के लोगों को भोजन कराना था जो भूखे थे। थोड़े ही दिनों में मैं अपने पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया। इन सारी घटनाओं को सुनाते हुए राम नारायण यही बार बार कहते थे कि मैं बाबा जी को इसी रूप में जानता हूँ, मैं बाबा जी को मनुष्य शरीर में हनुमान जी मानता हूँ, इसके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं थे। मेरे लिए उन पर विश्वास और अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। मेरी इच्छा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं थी कि वह बाबा जी से संबंधित कथाएं सुनाते रहें और मैं उनके आनंद का रसास्वादन करता रहूं। Thank you.